सरकारी अस्पताल अक्सर सर्दियों में रक्त की कमी से जूझते हैं। सोलन का क्षेत्रीय अस्पताल भी इसी कमी से जूझ रहा था, जिसकी खबर सोलन की संस्था अग्रवाल सभा को लगी और उन्होंने सामाजिक दायित्व को पूरा करते हुए सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें सोलन की आम जनता के साथ साथ अग्रवाल सभा के सदस्यों ने भी बढ़ चढ़कर रक्तदान किया, जिसमें करीबन 50 यूनिट रक्त को एकत्र किया गया। सरकारी अस्पताल अक्सर सर्दियों में रक्त की कमी से जूझते हैं। सोलन का क्षेत्रीय अस्पताल भी इसी कमी से जूझ रहा है, जिसकी खबर सोलन की संस्था अग्रवाल सभा को लगी और उन्होंने सामाजिक दायित्व को पूरा करते हुए सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें सोलन की आम जनता के साथ साथ अग्रवाल सभा के सदस्यों ने भी बढ़ चढ़कर रक्तदान किया, जिसमें करीबन 50 यूनिट रक्त को एकत्रित किया गया। अधिक जानकारी देते हुए अग्रवाल सभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश गर्ग ने बताया कि उन्हें मीडिया के माध्यम से ये मालूम चला था कि सोलन अस्पताल में केवल 15 यूनिट रक्त रह गया था। आपातकाल में रक्त की बेहद आवश्यकता पड़ सकती थी, इसके लिए उनके द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, ताकि रक्त की कमी से जूझते अस्पताल को रक्त की व्यवस्था हो सके। उन्होंने कहा कि इस शिविर में सभी ने रक्तदान किया। मैं दिनेश गर्ग, वरिष्ठ उप प्रधान अग्रवाल सभा सोलन। आज हमने हॉस्पिटल में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है। अखबारों के माध्यम से पता लगा कि ब्लड बैंक में ब्लड की बहुत कमी है, जिसके मद्देनजर हमारे प्रधान मायाराम जी ने स्पेशल आपातकाल मीटिंग बुलाई और उनका आदेश हुआ कि हम अग्रवाल सभा के माध्यम से ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करें, और जिसके मद्देनजर हमने इमीडिएटली आज 28 तारीख को ही इसका आयोजन करने की योजना बनाई। अभी भी कोई बैड हैपनिंग हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, और जब हमने सुना कि ब्लड बैंक में 15 ही यूनिट रह गई है, तो हमने सोचा कि ये बहुत जल्दी ये बढ़ जाना चाहिए ब्लड, और कम से कम 100 यूनिट तो हो ही जाना चाहिए, ताकि कोई भी प्रकृति की आपदा आ जाए तो उसका समाधान इमीडिएटली हो जाए।